छह राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कहा गया है रिकॉर्ड वोटिंग मतदाताओं को आज करनी है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में वोटिंग का परसेंटेज पिछले चुनाव से जो थोड़ा कम सामने आया उसको लेकर प्रधानमंत्री की अपील है, लेकिन लोकसभा चुनाव पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 49 सीटें हैं जहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 13, बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग जारी है, झारखंड की 3, बिहार ओडिशा में 5-5 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से चल रहा है। उधर जम्मू कश्मीर लद्दाख की 1-1 सीट पर भी मतदान आज ही हो रहा है। तो इन 49 सीटों पर नजरें सबकी रहेंगी। चरण पांचवा 7 चरण में से 5 चरण आज पूरे हो रहे हैं, यानी एक बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव का आज के मतदान के साथ पूरा हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि लोगों का रुझान किस तरफ रहता है, क्या इंडिया अलायंस पर भरोसा है या फिर मोदी की गारंटी एक बार फिर से काम कर रही है। ये जो पांचवा चरण है इसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़े ऐसी हम उम्मीद जता सकते हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील भी कर रहे हैं, अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो तुरंत आप घर से निकलिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए उस गर्मी से भी बचना है। सुबह सुबह घर से निकलिए, मत का इस्तेमाल कीजिए और फिर घर लौट आकर अपने जरूरी काम आप निपटा सकते हैं। चुनावी मैदान में 9 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, साथ ही साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री भी जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। यहाँ पर एक पिंक बूथ जो है वहाँ पर खड़े हैं, इस बूथ को पिंक बूथ का स्वरूप दिया गया है। मेनली ऑल ऑफ दी फैसिलिटीज, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज एज हैज बीन स्टिपुलेटेड बाय द ऑनरेबल कमीशन, वी हैव प्रोवाइडेड ऑल ऑफ दोज फैसिलिटीज एट ऑल द 2236 बूथ्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने फैसिलिटीज़ दी हैं। पिंक बूथ होने के नाते यहाँ पर हमारी जो एक पोलिंग पार्टी है और एक बूथ है दैट इज़ मैन्ड बाई ऑल वुमेन ऑफिशियल्स एंड अदर फैसिलिटीज़ विच हैव बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड विद द हीट वेव इन व्यू, वो सारी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे। क्या सोच कर आज वोट डालेंगे, क्या क्या कुछ मुद्दे होंगे? विकास सर, आपका क्या नाम? अकरम। क्या कुछ सोचकर आज वोट डालेंगे? विकास। विकास के मुद्दे पर जी। तो अयोध्या में किस प्रकार से देखते हैं विकास को? विकास हुआ है, विकास हुआ है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनीस। तो क्या कुछ सोचकर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको सोचकर आज वोट डालेंगे? विकास होना चाहिए बस। सर आप यही अयोध्या में रहते हैं? जी हाँ, मेरा नाम केके तिवारी, मैं रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी हूँ। राष्ट्र हित के लिए ही वोट दे। अयोध्या को अगर पिछले 5 साल से और आप कंपेयर करेंगे तो किस तरह से देख? जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी वो है। हाँ, ये चमत्कार है और लगन है शासन में बैठे हुए लोगों की, जिससे ये धरातल पर आया। भाई साहब आपका क्या? राम सजीवन तिवारी। किस तरह से देखते हैं, क्या सरकार ने यहाँ पर अच्छा काम के हित में? सरकार बहुत अच्छी है। अदिति जी आप लोग सुबह से लाइन में आ जाओ। देश में एक तरफ राहुल गांधी तो एक तरफ बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह है, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस चुनाव में? मुद्दे यही है कि देश हित के लिए है, विकास के लिए है। जैसे और सारी सिटीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है तो रायबरेली में भी हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो और जो फाइनल रिजल्ट आए देश हित के लिए हो। और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस पूरे कैंपेनिंग में, जो लोकसभा इलेक्शंस का रहा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों या तमाम बड़े नेता हों, वो लोग हमेशा एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो कैसी अपॉर्चुनिटी है यहाँ रायबरेली में, आप लोगों को लगता है कहीं आप लोग पीछे छूट गए विकास के पैमाने पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम लोग पीछे छूट गए हों, सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी हैं, बट जो चीज़ें कमी हैं वो हम चाहेंगे कि जो भी चुना जाए वो उन सब चीज़ों को पूरा करे। ठीक है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सुनीता सिंह है। सुनीता जी ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार आप वोट करेंगे? मुद्दे मेन यही है कि डेवलपमेंट का, विकास का। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ डेवलपमेंट नील है, जो भी वैकेंसियाँ निकल रही सब रद्द हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। जैसे पीओ की भी रद्द हुई, आरओ की रद्द हुई, पुलिस की जितनी वैकेंसियाँ रद्द हुई, तो मेरा ये है कि वैकेंसियाँ जो निकले वो फिलअप हो और ओपीएस जो इन्होंने बंद कर दिया है तो ओपी, मेरा मेन ओल्ड पेंशन के ऊपर मैं आकृष्ट करना चाहूँगी। मेन ये है कि जब आदमी इस एज में आता है कि
रिटायर हो गया, तो बच्चे इसी उस तरह नहीं होते अब।